आप सभी जानते हैं कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला उपचुनाव है जो हमारे आदरणीय सद्य नेताजी हमारे बीच नहीं है। और जितने भी आदरणीय बुजुर्ग जन आज मुझे मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि आप सभी ने नेताजी के संघर्षों में उनका साथ दिया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाके आपने समाजवाद का इतिहास रचा है इस क्षेत्र से। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को और यहाँ के सभी ग्रामवासियों को अपना परिवार जैसा माना है। जहाँ आप सब ने नेताजी को सम्मान देने का काम किया, वहीं नेताजी ने भी इस क्षेत्र के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। उनके मन में हमेशा यही विचार रहते थे कि मैनपुरी क्षेत्र, करल क्षेत्र का विकास, जसवंत नगर का विकास कैसे हो, कैसे हम व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे हम आखिरी तबके तक सहूलियत दे पाए, चाहे वो हमारे किसानों की मुफ्त सिंचाई हो, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हो, मुफ्त शिक्षा हो, हमारी माताओं बहनों के लिए पेंशन योजनाएं हो, कन्या विद्याधन हो, हमारे युवाओं के लिए रोजगार हो, हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे गांव-गांव लैपटॉप पहुंचाना हो। नेताजी ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करी है, हमेशा सबको संग लेके आगे बढ़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब जो यहाँ आए हैं, वह आने वाली 5 तारीख को एक एक लोग साइकिल का बटन दबाने का आप काम तो करेंगे ही सबके सब, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। क्योंकि आज जो आप सब सम्मानित लोग मेरे सामने हैं, आप सब नेताजी का परिवार है, तो आप सब लोग जब साइकिल का बटन दबाएंगे तो इस क्षेत्र से इतिहास रचने का काम करेंगे। जिन विचारों पे और सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ चली है, आगे बढ़ाने का काम दायित्व अब आप सबका और हमारा है। मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर निवेदन है, क्योंकि प्रशासन सख्त होगा लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप तो नारी हैं, महिला शक्ति हैं। आप जाइएगा और धड़ल्ले से साइकिल का बटन दबा के आइएगा और भोजन और घर पे खाना जो है जब वोट डाल के आ जाए तभी बनाइएगा, और जब सब लोग आपके घर के परिजन जब वोट डाल के आ जाए तभी परोसिएगा खाना, उससे पहले मत परोसिएगा। मेरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना है कि बस जो ये 1-2 दिन बचे हैं, अपने 2-3 दिन जो बचे हैं, अपने घरों में मत सोइएगा और 5 तारीख को अपना बटन साइकिल पर दबा के आइएगा, क्योंकि 5 तारीख को आपको कोई छू नहीं सकता है फिर, और 6 तारीख को पूरा प्रशासन यहाँ से चला जाएगा। नेताजी का हमेशा से भावात्मक रिश्ता रहा है इस क्षेत्र के साथ, और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों को नेताजी ने छुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस्सा जरूर है आप सभी का। और ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो गांव-गांव घूमा हो, जो सब लोगों के बीच में सबका दुख और दर्द समझा हो और उसका हल भी निकाला हो। आज मीडिया के माध्यम से चाहे कोई भी अपनी वाहवाही करा ले, लेकिन कोई भी नेता आप लोगों के बीच में नहीं ना आया है ना आने वाले समय में आएगा। खाली टीवी के माध्यम से ये लोग आपके पास पहुंच सकते हैं, आपका मन भटका सकते हैं, और जितने फोन ये मैं देख रही हूँ यही माध्यम है लोगों का मन भटकाने का। लेकिन इस बार हमें भी सोच समझ कर वोट करना है, आसपास देखना है कि क्या काम हो रहे हैं, क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है, क्या हमारे किसानों को डीएपी मिल रहा है सही कीमत में, कहीं कोई दमन या शोषण तो नहीं हो रहा है किसी का भी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वोट करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह यह समाजवादी गढ़ रहा है उसी तरह हम सब मिलकर यहाँ से
समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन तो दबाएंगे ही और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान देने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।